नमस्कार, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गैस, बीते रात आयरलैंड की टीम ने कमाल कर दिया और तीसरे ओडीआई में इंग्लैंड को बहुत ही बड़ी शिकस्त दे डाली। आप सभी को पता है इंग्लैंड की कितनी टीम महान टीम है, उसको भी हरा डाला है आयरलैंड की टीम ने तीसरे ओडीआई में। हालांकि जो पहला ओडीआई था उसको इंग्लैंड ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया था और वहीं दूसरा ओडीआई भी 4 विकेट से अपने नाम कर लिया था इंग्लैंड की टीम ने। और वहीं तीसरे ओडीआई में तो कमाल कर दिया आयरलैंड के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने भी। चलिए बात करते हैं फटाफट से। अगर आप भी देखना चाहते हो इनकी महान बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। गाइस, सबसे पहले तो आयरलैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला किया और इनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। इंग्लैंड की टीम की ओर से सबसे पहले ओपनिंग करने आए जेसन रॉय के साथ जॉनी बेयरस्टो। जेसन रॉय केवल 1 रन बनाकर चलते बने तो वहीं बेयरस्टो ने केवल 4 रन बनाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड की ओर से कैप्टन इयान मॉर्गन ने लगाए। कैप्टन इयान मॉर्गन ने 84 बॉलों का सामना करते हुए 106 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। तो वहीं टॉम बेटन ने भी यहाँ पे 51 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। तो वहीं डेविड विले भी कम नहीं थे। डेविड विले ने इंग्लैंड की ओर से 42 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और 51 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। और 49 ओवर की 5वीं गेंद पर इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 328 रन ही बना पाई और आयरलैंड की टीम को 329 रन का लक्ष्य दिया इंग्लैंड की टीम ने। मगर दोस्तों, आयरलैंड के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कल के मैच में तो कमाल कर दिया, दिल खुश कर दिया। सबसे पहले ओपनिंग करने आए आयरलैंड की ओर से पॉल स्टार्लिंग के साथ गैरेट डेल ने। दोनों खिलाड़ी काफी कमाल थे मगर गैरेट डेल ने अपना विकेट जल्दी गवा बैठे। 12 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन ही बना पाए और वहीं पॉल स्टार्लिंग ने यहां पे 128 गेंदों का सामना करते हुए 142 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिस दौरान 6 गगनचुंबी छक्के और 9 चौके शामिल थे। और वहीं तीसरे नंबर पे एंड्रयू बलवर्नी खेलने आए। एंड्रयू बलवर्नी जो कि कप्तान हैं आयरलैंड के, उन्होंने 112 बॉलों का सामना करते हुए 12 चौके की मदद से 113 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और अपना शतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं हैरी ट्रैक्टर ने यहां पे 29 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं केविन ओब्रायन ने यहां पे 21 रन की नाबाद पारी खेली और इसके साथ 49 ओवर की 5वीं गेंद पर 3 विकेट गंवाने के बाद इस मैच को अपने नाम कर लिया और 329 रन बना डाले और 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया, जो कि काबिले तारीफ है आयरलैंड की टीम को। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। और वहीं प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड पॉल स्टर्लिंग को दिया गया है और वहीं दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड डेविड बेली को दिया गया है। और दोस्तों, क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आने वाली खबरें सबसे पहले देखने के लिए।